नमस्कार, मैं रत्नसेन भारती। आज हम बात करेंगे जदयू, बीजेपी और AIMIM को लेकर। बिहार की सियासत में इन दिनों एक नया मुद्दा रोज निकलकर सामने आ रहा है। दरअसल यह सब कुछ 2024 और 2025 के चुनाव को देखते हुए बयानबाजियों का दौर जो है वो शुरू हो गया है। हालांकि इन सब के बीच में इन दिनों एक बात है जो कि लोग बड़े ही चाव से सुनना पसंद कर रहे हैं, और वह है बिहार में AIMIM की एंट्री। क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में इस पार्टी ने कांग्रेस, राजद और जदयू को झटका देते हुए 5 सीटों पर अपनी जीत तय की थी। हालांकि बाद के समय में उनके 4 विधायक राजद के साथ चले गए। ऐसे में अब जब AIMIM प्रमुख ओवैसी का बिहार दौरा हुआ तो लोग यही कह रहे हैं कि क्या बिहार में एक बार फिर से ओवैसी फैक्टर काम करेगा। बिहार के साथ साथ पूरे देश में मुसलमानों को वोट बैंक को साधने को लेकर बीजेपी ने भी अपनी रणनीति में बदलाव किया है। दरअसल बीजेपी अब पसमानदा मुसलमानों को लेकर एक सॉफ्ट कॉर्नर रखती है और उनमें जो है एक वोट बैंक की राजनीति दिख रही है। और इधर बिहार में जदयू में भी मुसलमानों को लेकर एक नया राग छेड़ दिया है। ऐसे में अब बिहार की सियासत में जाति धर्म को लेकर जितने दरवाजे खुलने थे धीरे धीरे कर सब खुल रहे हैं, और आने वाले समय में इन सब का असर भी दिखने लगेगा। सबसे पहले बात करते हैं जदयू की तरफ से मुसलमानों को लेकर दिए गए बयान को। दरअसल पिछले दिनों बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी भीम चौपाल के तहत बिहार शरीफ में थे, जहां उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि देश में रहने वाले मुसलमान लंदन और अमेरिका से नहीं आए हैं। उन्होंने कहा कि भारत के रहने वाले सभी मुसलमान इसी देश के हैं जो पहले दलित हुआ करते थे, लेकिन ब्राह्मणवादी व्यवस्था की वजह से उन्होंने या तो अपना इस्लाम धर्म अपना लिया या फिर बौद्धिस्ट हो गए। उन्होंने कहा कि भारत के 90% मुसलमान कन्वर्टेड है। भारत में रहने वाला मुसलमान अफगानिस्तान से नहीं आया। अशोक चौधरी ने कहा कि इसीलिए मुसलमानों को सुरक्षा रखना हमारा फर्ज है। अशोक चौधरी के इस बयान के 1 से 2 दिन पहले बिहार सरकार ने मुसलमानों को रमजान के मौके पर सरकारी दफ्तर में 1 घंटे की देरी से आने और 1 घंटे पहले जाने की सहूलियत प्रदान की थी। ऐसे में बीजेपी नीतीश कुमार पर तुष्टिकरण की राजनीति का आरोप लगा रही है। एक तरफ जहां अशोक चौधरी भारत के मुसलमानों को हिंदू कन्वर्टेड बता रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार उन्हें मुसलमान मानकर रमजान के दौरान सरकारी ऑफिस में छुट्टी की बात कर रहे हैं। हालांकि अब अशोक चौधरी के इस बयान के कई मायने और मतलब निकाले जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि अशोक चौधरी जब कांग्रेस के साथ थे तब भी और आज भी जब जदयू के साथ हैं तब भी नपी तुली बयान देने के लिए वो जाने जाते हैं, लेकिन अब जब उनका बयान सामने आया है तो यह कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में कुछ ना कुछ बदलाव देखने को मिलेगा। क्योंकि अशोक चौधरी जब कांग्रेस से जदयू में आए तो एक नई थ्योरी दलित और मुस्लिमों को ही दी थी, जिसका फायदा जदयू को लंबे समय तक मिलता रहा। ऐसे में अब एक बार फिर से जदयू उसी फार्मूले को मजबूती के साथ आगे बढ़ाना चाहती है। इसका परिणाम है कि अशोक चौधरी यह कहते हैं कि ब्राह्मणवादी नीतियों के कारण दलितों ने मुस्लिम धर्म को अपना लिया और आज देश के 90% मुसलमान कन्वर्टेड हैं। ऐसे में यह भी कहा जा रहा है कि अशोक चौधरी अमूमन बहुत कम बोलते हैं, लेकिन जिस तरह से उनका बयान सामने आया है उससे यही लगता है कि जदयू कोई बड़ी योजना पर काम कर रही है। खैर, बीजेपी ने भी पूरे देश में पसमानदा मुसलमानों को लेकर एक नया राग छेड़ दिया है। ऐसे में यह कहा जा रहा है कि बीजेपी भी मुसलमानों को अपना वोट बैंक का हिस्सा मानने लगी है। इधर बिहार के सियासत में AIMIM की एंट्री यह जदयू की एक नई थ्योरी के लिए कितना नुकसानदेह होगा यह तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। फिलहाल सभी राजनीतिक पार्टियाँ मुसलमानों को रिझाने में लगी है, खास करके AIMIM का जिस तरह से बिहार में प्रदर्शन रहा है और उनकी जो सक्रियता बार बार दिखाई जा रही है उससे जो है कांग्रेस और राजद के लिए जो है यह खतरे की घंटी जरूर बन गई है। लेकिन जिस तरह से जदयू ने जो है भीम चौपाल के माध्यम से दलितों और मुसलमानों के बीच में अपनी पहुंच बनाने की कोशिश की है, ऐसे में यह कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में बीजेपी के लिए खास करके यह एक टारगेट वाली स्थिति होगी। और RJD अगर उनके साथ है, अगर RJD भी इस तरह की पहल पे काम नहीं करती है तो जदयू यहाँ पे बीज देखेगी इन सारी पार्टियों से। तो ये था जदयू का एक नया प्लान जो कि आने वाले दिनों में एक मूर्त रूप में दिखेगा, और चुनाव में खास करके अगर हम देखें तो अगर वोट बैंक में बदलने में यह जो इनकी पॉलिसी है अगर ये वोट बैंक में बदलने में कामयाब होती है तो जदयू के लिए यह काफ़ी फायदेमंद होगा। तो ये थी जदयू की नई थ्योरी से जुड़ी हुई खबर। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।